फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एक बहुत सीरियस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि डिप्रेशन से कैसे निकला जाए। मतलब आपका ब्रेकअप हो चुका है या आपको ऐसे भी नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब कि लोग आपको टीज करते हैं, बुली करते हैं, घर वाले अच्छा बिहेव नहीं करते या फ्रेंड्स परेशान करते हैं या ब्रेकअप हो गया हो कोई भी कारण से, या जैसे करियर आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा हो, ऐसा कोई भी कारण हो सकता है जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं, दुख में रहते हैं, दुखी रहते हैं, इससे कैसे निकला जाए। मैं चेष्टा करूंगी कि मेरा ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करे। मैं चेष्टा करूंगी कि आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊं कि आप एक नेगेटिविटी से, एक दुख भरे माहौल से, दुख भरे माइंडसेट से कैसे निकलें। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात जो ये है वो ये है कि डिप्रेशन के लिए बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ जाके एक साइकोलॉजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट जब होगा तो उनकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। देखिए मैं एक बात बोलती हूँ कि आप जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, बहुत कुरेद कुरेद के एक एक चीज़ पूछते हैं। मतलब आपकी जितनी आपकी मेमोरी है, बच्चे से आप जितनी आपको यादें हैं, वो सब यादों के बारे में वो पूछते हैं आपको, और वो एक चेष्टा करते हैं जानने की कि आज जो सिचुएशन में आप हैं वो क्यों हैं। मतलब आपका पास्ट ने आपको कैसे आपके आज को इन्फ्लुएंस किया। तो क्या होता है कि वो जब कुरेद कुरेद के पूछते हैं आपको, तो आप काफ़ी पीछे तक चले जाते हैं, आपका माइंड काफ़ी पीछे तक चले जाता है और आप वो सब बातें रिपीट करते हैं। जब आप रिपीट करते हैं तो क्या होता है कि वो आपके सिस्टम से बाहर निकल आता है। उनका पूछने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जो बात आप शायद सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में थी, जो आप भी नहीं जानते थे कि आपको इन्फ्लुएंस किया है, वो सब बातें सामने आ जाती हैं और आप उसे बोल पड़ते हैं। जब आप बोलते हैं तो जैसा कि हम कहते हैं वो आपके सिस्टम से बाहर निकल जाता है। आप शेयर करते हैं आपके डीपेस्ट थॉट्स, डीपेस्ट सीक्रेट्स, डीपेस्ट फियर, ये सब आप शेयर करते हैं। जब आप शेयर करते हैं वो आपके सिस्टम से निकल जाता है, तब फिर वो साइकियाट्रिस्ट आपकी करंट सिचुएशन को समझते हुए आपको एडवाइस देता है, और ये एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है। मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो कहना है फ्रेंड्स, कि ये हेल्प करता है। जब आप जानते हैं कि जो आपको एडवाइस दे रहा है वो एक प्रोफेशनल है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है और वो आपकी पूरी हिस्ट्री को जान के आपको एडवाइस दे रहा है, तो आपको एक फेथ आता है उसकी एडवाइस पे और आप उसको फॉलो करने की चेष्टा करते हैं। दूसरे वो लोग साथ में क्या करते हैं, कई बार वो एक मेडिसिन देते हैं, जिससे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा जो दुख है वो पूरा साइकोलॉजिकल है, वो मन का है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके कुछ मेडिकल कारण भी होते हैं, तो वो आपको कुछ मेडिसिंस भी देते हैं जिससे क्या होता है कि आपको डिप्रेशन से निकलने में आराम मिलता है। मतलब वो बूस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जब आप मेडिसिन बंद कर देंगे तो आप वापस नेगेटिव में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो स्पेशलाइज हैं, वो जब आपको कोई मेडिसिन देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, तो आप उसे फॉलो करते हैं और थोड़े दिन बाद क्या होता है, अपने आप आपकी बॉडी में और आपके माइंड में ऐसा चेंज आ जाता है कि आप उस नेगेटिविटी से निकल जाते हैं और आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। इसलिए मेरी जो थिंकिंग है कि अगर आप किसी भी तरह से अपने नेगेटिविटी से नहीं निकल पा रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपको किसके पास जाना चाहिए, कौन आपको सही एडवाइस देगा, अनबायस्ड एडवाइस देगा, सिर्फ आपका होके एडवाइस होगा, आप मेडिकल हेल्प लीजिए, ज़रूर लीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टिग्मा है। ये हुआ सबसे पहला तरीका। ये एक्सट्रीम केस जब होता है तो आप ऐसा करिए, लेकिन फ्रेंड्स अगर एक होता है कि आप ना जैसे कि उतने एक्सट्रीम डिप्रेशन में नहीं, आप थोड़ा सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो उसका जो है उसका एक अलग उपाय है जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ।
फ्रेंड्स, जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई जॉब इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप दुखी हैं, उस दुख से आप कैसे निकलें? इसके लिए मैं जो सोचती हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, फैमिली है, जहाँ भी आप शेयर कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मम्मी पापा से सब चीज़ शेयर कर सकें, सबके घर में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता है कि आप मम्मी पापा से या अपने पार्टनर से शेयर कर पाए, या सबके पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं होते हैं जिनके पास आप दिल खोल के सब कुछ शेयर कर पाए। ऐसा किताबों में होता है, ज्ञान में होता है, रियल लाइफ में बहुत से लोगों के पास ऐसा कोई नहीं होता जिनके सामने वो अपने इनर मोस्ट फियर्स, इनर मोस्ट दुख शेयर कर सके। अगर कोई है, आप बहुत लकी हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके सामने आप दिल खोल के शेयर कर सकते हैं, उससे शेयर कीजिए। वो आपकी तकलीफ को समझेगा और आपको उससे निकालने में हेल्प करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अपने जो फीलिंग्स हैं, नेगेटिव है, वो आप जब शेयर कर लेते हैं ना, आप उसी पल काफ़ी हल्के हो जाते हैं। तो आप शेयर करिए, उसके बारे में बात कीजिए, तो आप देखेंगे कि आस्ते आस्ते वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस दुख से निकल रहे हैं। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका हुआ कि आप अपने आप को बिज़ी रखिए, मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिए। आपको जिम जाना पसंद है, वॉक पे जाना पसंद है, डांस करना पसंद है, जो भी है, मतलब आइडल खाली मत बैठे रहिए। खाली बैठ के ऐसे सोचते रहेंगे तो वो क्या है कि वो बार बार वही चीज़ माथे में घूमेगी। आप वैसा मत करिए। आप क्या करिए कि अपने आप को बिजी रखिए, किसी भी चीज़ में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको बिजी रखिए, चाहे वो गाना ही सुनिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि दुख भरे गाने सुनने लग जाए, थोड़ा नॉर्मल गाना, थोड़ा पैपी म्यूज़िक वो करिए, थोड़ा बाहर जाइए, फ्रेंड्स लोग के साथ मिलिए जुलिए। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा और साथ साथ अपने आप को बोलिए, फेलियर, रिजेक्शन, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आता है लाइफ में और हमें इसको फेस करना पड़ता है, और इसको फेस करके इसे सबक सीख के हमें आगे बढ़ना होता है। हर बार जब भी आपका माइंड नेगेटिव की तरफ में जाए, दुख की तरफ में जाए, अपने आप को याद दिलाइए कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होता है, हमें आगे बढ़ते जाना है, ये एक एक्सपीरियंस हुआ, हमें इसे लेके आगे बढ़ते जाना है। ये आप ऐसे सोचिए और आगे बढ़ते जाइए। तीसरा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने ड्रेसअप के ऊपर, गेटअप के ऊपर केयर नहीं करते, सोचते कौन देखेगा, कौन माथा लगाएगा, क्या होगा ये सब करके। लेकिन मैं आपको कहती हूँ, अगर आप खरीद सकते हैं, आप शॉपिंग करने जाइए, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदिए, अपने अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदिए। आप देखेंगे शॉपिंग एक्चुअली एक थेरेपी है सैडनेस के लिए, आप वो करिए, आप देखेंगे आपको बेटर फील हो रहा है। और फिर जब वो नया ड्रेस पहन के आप जब बाहर निकलेंगे, आपको एक नया तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे कोई नहीं देख रहा हो आपको, आपको जो अप्रिशिएट करने वाला था वो नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन आप खुद को बेटर फील करेंगे। आप मेरे कहने पे एक ड्रेस खरीदिएगा और उसे पहन के बाहर निकलिएगा, आप देखेंगे कि आपको बेटर फील होगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है सैडनेस से निकलने का। तो फ्रेंड्स, आप, और हाँ एक चीज़ और, खाइए पीजिए, आपको जो खाना पसंद है, जंक फूड, पुचका, पुचका मेरा फेवरेट है इसलिए मैं हर वीडियो में पुचका बोलती हूँ, पुचका, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो आपको पसंद है खाइए पीजिए। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा लुक्स, अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाके अपना सब गेटअप वेटअप कर लीजिए, चाहे आप भीतर से रो रहे हों, चाहे आप भीतर से बहुत दुखी हों, लेकिन ये सब करिए, आप बेटर फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तीन टिप्स जो मैंने आपको बताया, ये आप ट्राई करिए। उसके बाद भी अगर आप अपने दुख से नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी तकलीफ बहुत इंटेंस है, तो आप प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, और आपका थोड़ा बहुत डॉक्टर की फीस में खर्चा होगा, लेकिन ये आपको हेल्प करता है, मैं कहती हूँ करता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ तो हेल्प किया होगा आपके डिप्रेशन से बाहर निकलने का। तो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि ये आपको हेल्प किया कि नहीं किया। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।